इसके पहले मैं जो स्क्वायर का वीडियो बनाया था उसमें दो दो डिजिट का स्क्वायर के लिए था वो, ठीक है। अब आज हम देखते हैं कि 3 डिजिट के स्क्वायर के लिए क्या करना है। तो सेम कल जो मेथड हमने देखा था वैसे ही मेथड है, बस अब 2 की जगह 3 डिजिट का हो गया। तो देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम जैसे ये 111 कर दिए, तो 111 का स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको 2 पार्ट में चेंज कर देते हैं, 2 पार्ट में भाग बांट देते हैं। तो जो राइट साइड रहेगा वो केवल 1 रहेगा ऐसे बीच से, और लेफ्ट साइड में 2 अंक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर जैसे करते थे वैसे ही स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 अंकों का करते थे। तो फिर 3 लाइन ऐसा खींच देना जैसे उसमें किया करते थे। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और फिर हम क्या करते थे कि इन दोनों का आपस में इंटू करके फिर स्क्वायर जो रहता था उससे इंटू कर देते थे। तो 11 × 1 × 2 ये हो जाएगा 22, ठीक है। और ये जैसे था कि 11 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये 1 हो गया, अब ये 1 के अब ये 2 लिख देंगे, और जो बचा 2 है ये दूसरे साइड में इसको भेज देते हैं। तो 121 और ये 2 123 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 111 का वर्ग। अब इसी तरीके से 122 का देख लेते हैं। तो ये 12 और इसको 2 भाग बांट दिए। अब 100 ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये दोनों का गुणा करके फिर 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी उसी तरीके से कर देते हैं। अब ये 4 लिख देंगे, अब उसके बाद यहाँ से 8 लिख देते हैं, और ये 4 इधर चला जाएगा तो 148 हो जाएगा। तो ये 148 लिख देते हैं। तो ये कुल मिला के 14,884 हो गया 122 का। अब ये इसमें 123 134 का देख लेते हैं। तो ये 13 हो गया, ये 4, अब इसमें स्क्वायर कर देते हैं तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। और उसके बाद इसको इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 से इंटू कर देंगे तो 13 26 52 52 104 ये हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अब इसको लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 1 इधर चल जाएगा तो 105, तो 5 लिख देंगे, और फिर 10 बचा जो इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 179, ये हो जाएगा 17,956, ठीक है। अब इसी तरीके से 145 का कर लेते हैं। 145 का भी इसको 2 पार्ट में बांट दिए। अब उसके बाद 14 का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, 14 का तो 196 हो जाएगा, और 196 हो जाएगा। उसके बाद फिर इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो ये 14 × 5 = 70, और 2 से फिर कर दिए तो 140 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25 हो जाएगा ये। तो इसको फिर यहाँ पर लिख देते हैं वैसे 5, और फिर 2 इधर आ जाएगा तो 2 लिख दिए, और 14 इधर चल जाएगा तो 210 हो जाएगा। तो 2 2 21,025 हो जाएगा। और ये जो 5 था, बताया था मैं आपको पिछले वीडियो में भी कि जिसके इकाई अंक पर अगर 5 है तो उसको एक और भी इससे भी सिंपल मेथड से आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना रहेगा कि 145 जैसे है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और इस 14 जो बचा, इस 14 को इससे एक बड़ी संख्या, मतलब 14 से बड़ी संख्या 15 हो जाएगी, तो 15 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140, और फिर 5 × 7 = 210 ये हो जाएगा। इसी तरीके से देख लेते हैं, 16 का देख लेते हैं, 166 का। तो इसको कर देते हैं 166, और फिर उसके बाद 166 के बाद इसको भी सेम उसी तरीके से कर देते हैं।
तीन भागों में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। फिर 16 का 6 से इंटू करके, फिर उसके बाद 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 192। और फिर उसके बाद 6 का कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। और फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं, 6 और 3 इधर चल जाएगा तो 195 हो जाएगा, तो 5 लिख दिए और 19 फिर इधर चला जाएगा, तो 66 76 75 275 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27,556 ये हो जाएगा। और इसी तरीके से 178 का कर लेते हैं, इसमें भी सेम वैसा ही करना है, 17 का स्क्वायर कर देना है, तो 289 हो जाएगा। और फिर इनका इंटू कर देना है 17, और ये गुड़े में 8 कर देंगे, और फिर 2 से इंटू कर देंगे, तो 17 8 136 और दूनी 272 हो जाएगा ये, और फिर 8 8 64 हो जाता है। इसको लिखने के लिए यहाँ 4 लिख देते हैं, फिर 6 इधर आ जाएगा तो 278 हो जाएगा, तो 8 लिख देते हैं, 27 इधर भेज देते हैं, तो 27 भेज देते हैं, तो 96, फिर 306 और 316, 316 हो जाएगा, तो 31,684। इसी तरीके से सारा आपको सॉल्व करना है। और इससे अच्छा मेथड आपको एक ही मेथड से पूरा अभी तक देख रहे हैं, 2 डिजिट का भी कर लिए अपन, उसके बाद 3 डिजिट का भी कर लिए, अब उसके बाद आगे और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें फिर जो भी रूल रहेगा वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। तो और इस तरीके से बैंक हो चाहे फिर SSC हो चाहे रेलवे, जो भी एग्जाम होता है, तो सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरीके के बड़े बड़े स्क्वायर भी करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमको जानने का जरूरत हमने हमको जानने की जरूरत है इन सबको, कि कितना जल्दी से जल्दी कर सकें, क्योंकि वहां पर अगर हम ऐसे गुड़ा भाग करने लगे तब तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ये सब देखना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स। तो अब देख लेते हैं इसका भी, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 324 हो जाएगा, उसके बाद फिर 18 नवा हो जाएगा 162, 162 का इंटू कर देंगे 2 से, तो 16 दूनी 32, तो 324 हो जाएगा। हाँ 324 हो जाएगा। और फिर 9 नवा 81 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, उसके बाद 8 इधर चल जाएगा तो 332 हो जाएगा, तो 2 लिख देते हैं, और 33 इधर चला जाएगा तो 7 27 37 47 57, 357 हो जाएगा, तो 35,721। अब इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, ये एक लास्ट, और जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इसको आप खुद भी इसी मेथड से करके देखिएगा। तो इस तरीके से 101 से लेके आप 199 तक, सारे 199 तक या 100 से लेकर 200 तक सारे क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी वही करते हैं 195, ठीक है। अब इसका जो हम सेकंड लास्ट इकाई में जो 5 बताए थे उसके रूल से कर लेते हैं, तो 5 5 25 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको एक अंक बड़े से कर देते हैं, 19 का 20 से कर देते हैं, तो 190 और 190 और 2 380 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सारी चीज़ें पता चले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।